क्या बदतमीजी है? बंद करो, बंद करो। इतना बड़ा स्कूल का प्रिंसिपल होके मैं ये क्या कर रहा हूं, है ना? तो ज्यादा सोचो मत, ये कॉमेडी शो एंजॉय करो। सोच में पड़े हुए हैं। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के तीन नियम हैं, जो आज तक मैं फॉलो नहीं कर पाया, आप लोग क्या करेंगे? हमारे गुरुकुल के जितने स्टूडेंट्स हैं वो आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। कोई टंकी साफ करता है, कोई पंखा लगाता है। और एक और चीज, हमारे गुरुकुल के जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा मेरा नाम लेने से पहले यहां कान पे हाथ लगाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसी कान पे मैं उनको चमाट मारता हूं। एक और नया स्टूडेंट आने वाला है, आज मैं उसे म्यूजिक सिखाऊंगा। गुरुजी, गुरुजी मैं आ गया। आओ मैं तुम्हें म्यूजिक सिखाता हूं। एक हाथ कान पे रखो, ये और दूसरा हाथ यहां पे। हाँ, ये क्या? देखो बेटा, जब तुम किसी लाइव शो में जाओगे, हाँ, अगर सुर इधर उधर हो गया तो पब्लिक ऐसे ही मारती है, इसकी प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए। ये तो ठीक है, आप सर मुझे म्यूजिक सिखाओ। म्यूजिक? म्यूजिक तो सबसे पहले कोई हरकत करो। क्या कर रहे हो? तीन काले में गाओ। देखिए, मैं काला गोरा में कोई भेदभाव नहीं देता, अब मैं वैसे जो भी मैं इन चक्करों में पड़ता। अरे मेरा कहने का मतलब है ठेका लगाओ। मैं पीता ही नहीं, मैं ठेके पे क्यों जाऊं सर? आप क्या बात कर रहे हो? मुझे राग सिखाओ। राग? राग? हाँ जी सर। हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए ऑनलाइन हमने कुछ बंदे रखे हुए हैं। समय समाप्ति की घोषणा। आई एम रियली सॉरी, मेरा नेट पैक खत्म हो चुका है। हम थैंक यू बोलेंगे नहीं, इनको ऐसे रहना। हाँ और बताओ, और क्या सीखना चाहते हैं? सर पर नेट तो हमारा वेस्ट होगा ना। चाल मली और अमित के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। सर ये तो बहाने हो रहे हैं, मुझे म्यूजिक सिखाओ। देखो भैया, ये ऑनलाइन का तो मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी मैंने बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे बुलाए तुम्हारे लिए। अच्छा ही? यस, स्वागत कीजिए गुरदीप मेहंदी का। मैं गुरदीप के बारे में आप लोगों को बता दूं, दिलेर मेहंदी साहब के बेटे हैं, पूरी टैलेंटेड फैमिली है इनकी। एक्चुअली हमारे चार गेस्ट थे, तीन वहाँ हैं। आप लेट कैसे हो गए? थोड़ा सा वो बफर करते 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 फाइनली मैं पहुँच गया। कहाँ से पहुँचे? मैं सर अभी अभी न्यूयॉर्क से पहुँचा हूँ। आप न्यूयॉर्क से हमारे शो के लिए आए हैं? सर स्पेशल, आप इतना बड़ा शो, एक बार शो के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब मैं हमारे अगले गेस्ट को यहां पर बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां हो जाए फॉर वन एंड ओनली फनी सिंह। एक काम कर, तू YouTube पे जाके एक वीडियो पे लॉक कर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, करना कर तो। यो बंदे को कहते हैं यो फनी सिंगर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ही प्रज्वलित हुआ, बहुत ही काम्य पलेशी हुआ हूँ। निःशब्द हूँ, निबब्ध हूँ। अच्छा ठीक है भाई, इतनी बीमारियां तो डॉक्टर को दिखा के आ जा। क्या बात है, क्या बात, कुछ समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ हमारे गुरुकुल में आए, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ सिखाइए। ये हमारे स्टूडेंट। अरे कैसे है बच्चे? सर कुछ म्यूजिक सिखाइए ना प्लीज। देखो भाई, पहली क्लास है, मैं आपको क्लासिकल म्यूजिक सिखाऊंगा। पहले मैं गाऊंगा, फिर मेरे पीछे आप गाएंगे। रेडी सर? ठीक है, सुनाओ भाई। दो चार लाइनें आपके लिए। है फनी सिंह वो, है फनी सिंह वो, जो हर बात पे यो यो किया करे। लोग करते हैं एक उंगली, ये दो दो किया करे। चेन टोपी
ताली। चेन टोपी से शोभा नहीं है रैपर की, रैपर वो है जो गाने में दारू विस्की किया करे। आज ब्लू है पानी और दिन है सानी, प्लीज कम ऑन द बीच आके फोटो मेरी खींच। ब्लू 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 ब्लू। आज जो आपका एक नया सॉन्ग हिट हुआ है वो सुना दीजिए। अच्छा, आज का, आज की रेट का जो नया गाना है जो ये बिल्कुल सुनाऊंगे मैं। आर यू रेडी? ये चीटिंग है, चीटिंग है। ये तो गुरुजी का गाना है, ये आप गा रहे हो। ये फनी सिंह नकली है, मैं समझ गया हूँ। गुरुजी का गाना है, गुरुजी आप रख लो फिर। उसमें भड़कने की क्या बात है यार? नहीं, ये गलत बात है भाई। गा सकते हैं गाना, बट मैं एक बात बोल दूं, जेडे साडे हनी पाजे करियो उन्हां लई क्लैपिंग कर दो यार। ओ बहुत जल्दी वापस आ रहे ने सारे रॉक करने वास्ते, एंड असी सारे ने उन्हां दी उदां ही सपोर्ट करनी आ जैसे पहले सबने करी थी वैसे सपोर्ट करनी। पर उन्होंने असली बोला है, नकली फनी सिंह के लिए नहीं बोला। प्लीज आप जाओ, चलो बाहर निकालो। असली फनी और मुझे, चलो चलो चलो, ये भर्ती कॉलेज है। सर, ये आपका स्कूल भी नकली है, मुझे नहीं सीखना है, मैं जा रहा हूँ। हाय, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तू शाह उत्तुप जी हमारे यहाँ आई हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उषा उत्तुप जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। एक ऑटोग्राफ प्लीज। आई विल डेफिनेटली विद लव मैं। क्या बदतमीजी है, इतने बड़े स्टार के साथ तुम ऐसा कर रहे हो? पता है उषा जी और हमारे बहुत पुराने रिलेशनशिप है। उषा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। Yes. मुझे आज भी याद है जब कई साल पहले की बात, जब मेरी ये शहनशाह फिल्म चल रही थी और मेरे पास डेट नहीं थी, उषा जी ने मेरी डबिंग की है। Exactly. अरे वो भी तो बताओ जो मैंने बोला था, मोगैम्बो खुश हुआ। टू गुड, यू आर टू गुड, मैं सच्ची दिल से बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं इनको आप सिखाइए कुछ बढ़िया। ओके, सबसे पहले ये गुरु दक्षिणा। अरे मुंह खोल। Thank you. Okay, I would like to share a very decent and very rare incident with you. Actually, मेरी आवाज पहले कोयल जैसी थी, उसके बाद शो करते करते एक दिन मैंने पानी की जगह फिनाइल पी लिया, तो अब मेरा ये हाल। बट ऐसा नहीं, I am a performer, तो मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी फ्लैशबैक। Oh my God. Wow. एक बात मैंने नोटिस की है, व्हाइल आई वाज सिंगिंग, जब आपने आलाप लिया वो ये वाला, यू आर अ ब्रिलियंट सिंगर। आपको जान के खुशी होगी कि हमें मिल गया है एनीबॉडी कैन सिंग का अगला कंटेस्टेंट। मैं आपको मुंबई जाने का टिकट दे रही हूँ। फिक्र मत करिए, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको मिलेंगे एनीबॉडी कैन सिंग में, ठीक है? हाँ, थैंक यू। फुट लो, मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। कृष्णा सुगंधा, आई मस्ट से लुट गए, सब गिर गए, एक जोर से ताली। और दादा मैं तो कहना चाहूंगा, शालमली मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत है, इनके लिए जोरदार। बस ध्यान लगी खत्म, इसके आगे नहीं। नहीं वाकई में दादा, नहीं बस बस, मतलब इन्होंने खुद कैदी की ड्रेस पहनी और खुद ही गिरफ्तार किए जा रही है लोगों को, ये गलत बात है दादा। मैं चारों को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगा एक बार, प्लीज आप लोग यहाँ स्टेज पे आइए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.